नमस्कार दोस्तों, पहले तो तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल पर 400,000 यानी 400K सब्सक्राइबर हो चुके हैं 4 लाख हिंदी भाषा में, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और ये सब आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है। 2019 में अराउंड अप्रैल में मैंने चैनल स्टार्ट किया था और आज जो है 2024 आ चुका है। ऑलमोस्ट कह सकते हो 5 ईयर्स हो चुके हैं हमने मार्क पूरा किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू योर ड्रीम्स, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे कि आपकी ज़िंदगी बदल पाए, आप विदेश मूव हो पाए, वर्क के सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में या और कोई तरीकों से। तो इस उपलक्ष्य में मैंने जो है एक Q&A सेशन रखा था, जिसमें मैंने कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी किया था कि आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक वीडियो बनाकर जो है उसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। तो ये वीडियो उसी के लिए है। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चंस ले लेते हैं हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन जो आया है वो आया है, कैन आई गेट एडमिशन फॉर बैचलर्स इफ आई हैव 45% या 60% इन बोर्ड्स। तो 45% वाले के लिए तो मैं जो है कहूंगा कि यार पहले 2018 में ये क्वेश्चन मुझसे आप पूछते तो मैं 100% यस कह देता। बट अब क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ाते जा रही है। अब क्या हो रहा है 2024 में कुछ यूनिवर्सिटीज 60+ पब्लिक यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर अराउंड 10-20 यूनिवर्सिटीज ने कह दिया कि हम 70 below प्रोफाइल तो लेंगे नहीं, 70% से below, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज कह रही कि हमें IELTS चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटीज कह रही कि हमें 4 years की डिग्री चाहिए बैचलर्स की, तो हम मास्टर्स में एडमिशन देंगे। सो देर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट यूनिवर्सिटीज हैव एडेड, विच इज वाई आई वुड से कि थोड़ा हार्ड हो जाएगा 45% पे तो, बट स्टिल यू कैन मेक अ ट्राई इन यूनिवर्सिटीज विच हैज लो रैंकिंग। अगर मैं 60% वाले की बात करूँ तो यस पॉसिबिलिटीज है एडमिशन आने की ज़्यादा, तो आप तो अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। साथ में अगर IELTS होगी या अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो तो टॉल्क होगा, तो आपकी प्रोफाइल और एडिशनल स्ट्रेंथ मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आफ्टर गेटिंग एडमिशन हाउ टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। नाउ मोस्टली इटली को स्टूडेंट्स टारगेट तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि यार स्कॉलरशिप्स यहाँ पर मिल रही है, फ्री एजुकेशन एंड सो ऑन। अच्छा क्वेश्चन है कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। अच्छा क्या होता है, यहाँ पर जो है आपके जो है दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक जो है जनरली मई तक एडमिशन्स होते हैं, इसके बाद मई एंडिंग या मोस्टली जून में जो है आपकी स्कॉलरशिप्स ओपन होती है। अब जून से लेके जो है अगस्त तक की स्कॉलरशिप्स की ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रही होती है, तो आपको पहले तो ऑनलाइन करना है एडमिशन आने के बाद में, ठीक है। अब इसके साइमल्टेनियसली यू विल हैव टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन एज वेल, एज आई ऑलवेज टेल इट इज अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, सो इसमें आपकी इनकम जो है वो कम होनी चाहिए, आपकी फैमिली की इनकम जो है वो कम होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना पड़ेगा, जो कि ₹20 lakhs पर ईयर से कम आपकी इनकम होनी चाहिए, आप वैसे डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कराएंगे। और कुछ केसेस में आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है, कुछ केसेस में सिर्फ आपको जो है नंबर ऐड करने पड़ते हैं, तो अगर अपलोड करना पड़ा और आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो पहले से आपको प्रिपेयर करवाना पड़ेगा। इसके लिए हालांकि मैं वीडियोज अपलोड करूंगा जैसे स्कॉलरशिप्स ओपन होगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करना है वो आपको वहां से पता चल जाएगा, या फिर आप जो है प्रीवियस वीडियोज भी देख लोगे ना 2023 के, तो वहां से भी आपको जो है आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ही फॉलो अप में है, कैन आई रियली गेट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप इफ माय पेरेंट इनकम इज बिलो 12 लाख रुपीस। नाउ एज आई सेड द क्राइटेरिया इज ऑफ 20 लाख रुपीस, मतलब 20 लाख रुपए साल की इनकम से आपकी कम होनी चाहिए, तो यहां पर तो 12 लाख है तो विच इज फाइन, तो आप एलिजिबल तो हो। अच्छा 12 लाख रुपीज पर ईयर इनकम इज हाई इन इंडिया, बट वेन यू विल कंपेयर इट विद इटली इट्स नॉट दैट हाई, बिकॉज वहाँ पर नॉर्मल वेजेस ही 20 लाख रुपीज पर ईयर से ज़्यादा जाती है, तो उनके लिए इट्स वेरी नॉमिनल, तो 12 लाख में आपको 100% मिल जाएगी, यू आर एलिजिबल फॉर इट। एक और क्वेश्चन फॉलोड विद द स्कॉलरशिप वो ये है कि इफ माई परसेंटेज इज लो एम आई एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप, फर्स्ट वन इज मेरिट बेस्ड, सेकेंड वन इज नीड बेस्ड। तो मेरिट बेस्ड में क्या होता है कि आपके पास ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए और उसको अप्लाई करने के लिए यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग कवर लेटर या स्ट्रॉन्ग लेटर दैट सपोर्ट्स योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। बट वहीं हम अगर जो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पर यू डोंट रिक्वायर दोज थिंग्स, यहाँ पर यू नीड टू हैव अ सर्टिफिकेट जिसमें मेंशन हो कि आपकी फैमिली इनकम कम हो एंड यू बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली जिसका इनकम लेवल इतना ज्यादा ना हो, दैट्स इट, और उसके बेस पर आप अप्लाई कर लेते।
मिलते हो, तो इट इज एन इजी पाथवे विच डजंट रिक्वायर हाई ग्रेड्स, दैट इज इट। तो परसेंटेज का आपकी स्कॉलरशिप से कोई लेना देना नहीं रहने वाला है। ये तीन फॉलोअप क्वेश्चन थे स्कॉलरशिप से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस और प्रोग्रेस ऑन योर जर्नी। 2018 वॉज द ईयर व्हेन आई फर्स्ट लैंडेड इन इटली, और सब कुछ मेरे लिए भी काफ़ी नई चीज़ें थी। तो सक्सेस को यार मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड धीरे धीरे हर एक स्टेप। पहले वीजा मिला तो आई वॉज सो हैप्पी अबाउट इट, फिर डिग्री कंप्लीट हुई तो आई वॉज सो हैप्पी अबाउट इट, फिर उसके बाद जो है यूट्यूब चैनल हमने क्रिएट किया, 100K सब्सक्राइबर हुए तो उसके लिए आई वॉज सो हैप्पी अबाउट इट। तो ऐसे काफ़ी सारे अचीवमेंट्स आपको मिलते जाएंगे जिंदगी में, तो वो प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी। बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज योर फ्रीडम, योर हैप्पीनेस एंड योर पीस। दिस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई हैव लेफ्ट अ लॉट ऑफ मनी टू सेक्रीफाइस, आई मीन टू यू नो आई हैव कॉम्प्रोमाइज विद अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस थ्री थिंग्स विच इज हैप्पीनेस, पीस एंड फ्रीडम। जैसे कोई कह लेगा कि यार मुझे IAS बनना है, वंस यू बिकम एन IAS उसके बाद क्या होता है कि तुम कंपेयर करोगे किसी और, हो सकता है किसी यूट्यूबर से कंपेयर कर लो जो कि देश विदेश घूम रहा है। यार एज एन IAS यू कैन नॉट एक्सप्लोर दोज कंट्रीज बिकॉज यू हैव टू बी ऑन ड्यूटी, राइट। बट फिर कोई यूट्यूबर अगर होगा तो वो सोचेगा यार व्हेन आई एम इन इंडिया आई डोंट हैव दैट रेड बत्ती, लाल बत्ती ऑन माई कार, तो वो डिफरेंसेस आपको क्रिएट करेंगे। तो वो चीजें हमेशा रहेगी, यू विल ऑलवेज क्रेव फॉर समथिंग। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आर यू सेटिस्फाइड इन द जर्नी ऑफ योर प्रोसेस और नॉट। सो आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, आज 4 लाख हुए हैं, कल को 5 लाख भी होंगे। इसके अलावा जो मेरी हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बढ़ता है या नहीं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो आई ट्राई टू बी हैप्पी एंड कॉन्टेंटेड एवरी मोमेंट पॉसिबल, सो दैट्स हाउ आई परसीव सक्सेस इन माई टर्म्स। Next, is it hard to get admission in abroad as an Indian student? Now, it depends कि कौन सी कंट्री के ऊपर आप बात कर रहे हो। सपोज इफ यू टारगेटिंग जर्मनी, द जर्मनी हैज वेरी हाई एजुकेशनल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, तो वहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अगर आप स्विट्जरलैंड की पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, अगर आप फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हो, तो वहां पर भी काफी टफ हो जाएगा। बट वेयर एज अगर आप इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हो, तो इट्स ईजी टू गेट इन टू। तो इट डिपेंड्स कहाँ पर आप बात करना चाह रहे हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, सो वहां पर एडमिशन लेना इट नॉट दैट टफ। बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करोगे तो क्राइटेरिया इज ऑलवेज हाई। तो डिपेंड्स, अगेन इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री एंड रिक्वायरमेंट आपकी क्या है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, सर आई हैव डन माई एजुकेशन इन डिफरेंट फील्ड बट नाउ आई वॉन्ट टू चेंज माई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, सो इज इट पॉसिबल टू गेट एन एडमिशन। ये काफ़ी बार होता है कि स्टूडेंट्स का क्या कंसर्न होता है कि मुझे जाना इस कोर्स में था, मेरा एडमिशन इस कोर्स में आ चुका है, तो शुड आई फर्दर प्रोसीड विद इट और नॉट। तो इस केस में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन एक और आता है मेरे पास में कि हम चेंज कर सकते हैं क्या यूनिवर्सिटी या कोर्स वहां जाने के बाद। सो दिस थिंग्स आर पॉसिबल बट नॉट इजी टू बी ऑनेस्ट विथ यू। सम ऑफ माय फ्रेंड्स हैव डिड इट बट प्रोसेस काफ़ी टीडियस थी, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट करो, फिर जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है वहां पर एडमिशन अप्लाई करो, उस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है आपको, फिर ट्रांसफर के लिए अप्लाई करो एंड सो ऑन। तो इनिशियली तो जाते से तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड, बट वंस यू कंप्लीट योर वन ईयर मास्टर्स को या बैचलर्स को, देन आप ट्राई कर सकते हो और इसको चेंज कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज है बट ईजी नहीं है, ये इसका आंसर इवेंचुअली होने वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव कवर लेटर। वेल, कवर लेटर के दो सेंस होते हैं, या तो कवर लेटर वुड बी फॉर वीजा पर्पस, मुझे पता नहीं क्वेश्चन किस सेंस में पूछा है, या तो वीजा पर्पस के सेंस में होगा या फिर जॉब एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए होगा। तो अगर जॉब एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए है तो आई थिंक इट्स बेटर टू बी एज यूनिक एज पॉसिबल बिकॉज आई नो दैट एवरीवन यूजेस ChatGPT दीस डेज। तो ChatGPT से ऑब्वियसली यू कैन क्रिएट अ फॉर्मेट, बिकॉज हर कोई ऐसे एसेज नहीं लिख पाता, तो एटलीस्ट यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ फॉर्मेट एंड ट्राई टू पुट योर ओन स्टोरी इनटू इट।
राइट, तो वो स्टोरी यूनिक बनाने के लिए आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, यू नीड टू पुट योर ओन स्टोरी. फॉर एग्जांपल, मैं इंडिया में जो है कुछ गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता था, विच यू नो गेव मी द लीडरशिप स्किल्स, सो आई वुड पुट दैट इनटू इट, यू नो, सो दिस विल मेक माय स्टोरी यूनिक इन इटसेल्फ. तो वो एक मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज दे सकती है. ऐसे ही आपकी भी कुछ एक स्टोरी हो सकती होगी जो कि आपको एक्स्ट्रा एज दे सकती है, तो वो आपको लिखना होगा उस चीज के अंदर, राइट? तो ऐसे बन सकता है. और वहीं अगर हम ये वीजा पर्पस की बात करें, तो अगेन द केस इज सेम. यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन बोथ द वेज, वेदर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप जो है वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो. ट्राई टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे और आप सोच रहे हो कि मेरे साथ पॉजिटिव चीजें हो विदाउट यू बीइंग ऑनेस्ट, देन आई थिंक इट्स अगेंस्ट द एथिक्स एंड वैल्यूज, एंड आई डोंट रिकमेंड दोज थिंग्स. तो ट्राई टू बी यू, बी योरसेल्फ इन योर कवर लेटर, वेदर इट इज फॉर जॉब एप्लीकेशन और फॉर द वीजा पर्पस. नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, हाउ मेनी गैप ईयर्स आर अलाउड इन बैचलर्स एंड मास्टर्स. मतलब सिंपल से इसका बता देता हूँ, फॉर बैचलर्स अप टू 5 ईयर्स इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि 12th के बाद 5 ईयर्स का गैप इज टू मच गैप, तो 5 साल तक का. एंड फॉर मास्टर्स इट्स अप टू 8 ईयर्स, तो 8 ईयर्स तक का गैप एक्सेप्टेबल है, और इससे ज्यादा भी कर सकते हो, बिकॉज काफी यूनिवर्सिटीज में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास मिनिमम मतलब अच्छी कोई टॉप यूनिवर्सिटी में आप जब एडमिशन लेने जाओगे ना, दे लुक आफ्टर योर सीवी, तो उसमें वो देखते हैं कि यार आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस कितना है. वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर भी काफी बार आपको एडमिशन में प्रायोरिटी मिल जाती है, एंड दैट्स द रीजन दे लुक आफ्टर योर सीवी. सिर्फ ग्रेड से मतलब नहीं होता, सिर्फ आइल्स के स्कोर से मतलब नहीं होता, सिर्फ एसओपी से मतलब नहीं होता, सीवी ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और जो कि आपके वर्क एक्सपीरियंस से जस्टिफाई होता है. तो अगर गैप है तो ट्राई टू जस्टिफाई इट विद द वर्क एक्सपीरियंस. नेक्स्ट है, डज इंडियन स्टूडेंट फेस रेसिज्म इन अब्रॉड. इसका आंसर यार यस और नो दोनों में हो सकता है. ऑब्वियसली रेसिज्म तो मुझे ऐसा लगता है इट्स अ जनरल टर्म विच यू विल फेस एवरीवेयर. इंडिया में नॉर्थ साउथ में यू विल फेस रेसिज्म, और अगर एक ही सिटी में हो तो रिच और पुअर में यू विल फील रेसिज्म, और कोई और आस्पेक्ट होगा तो इंटेलिजेंट लेस इंटेलिजेंट में यू विल फील रेसिज्म. तो फील रेसिज्म, तो ऐसे कई आस्पेक्ट्स, इट डिपेंड्स, हर पर्सपेक्टिव चेंज होता रहता है. बट आई थिंक एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, यूरोप में काफ़ी देश में घुमा हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि रेसिज्म थोड़ा बहुत तो फील करोगे कहीं ना कहीं, बट इट्स ठीक है यार, दिमाग में थोड़ी देर के लिए वो चीज़ रखनी और निकाल देनी है हमें, और वो चीज़ है जो आप फेस करोगे फॉर श्योर. ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं फेस करोगे. सुपर मार्केट जाओगे तो हो सकता है वहाँ पर कुछ थोड़ा ग्लिम्सेस आपको देखने मिल जाए, कहीं पर आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पर लग जाए कि यार वो इटालियन या स्पेनिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं. तो दिस इज नॉर्मल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज थिंग्स, राइट? तो ये सब चीज़ें मतलब नहीं दिमाग में लाए तो बेहतर है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू चेंज स्टूडेंट टू वर्क वीजा एंड व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स. अच्छा, जब व्हेन यू आर स्टूडेंट वीजा, और सपोज इफ योर स्टडीज आर नॉट येट कंप्लीटेड एंड यू वांट टू शिफ्ट टू वर्क परमिट, तो फॉर दैट आपको डिक्रेटो फ्लूसी एक ओपन होता है इटली में, एक वर्क कोटा ओपन होता है, उसके तहत अप्लाई करना होता है. बट इफ योर स्टडीज आर कंप्लीटेड, इन दैट केस क्या होता है, आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए. जॉब ऑफर के बाद आप क्या करते हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो आपके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, प्रेफेतुरा जिसे कहा जाता है नियर बाय में, और वहां से अप्रूवल आने के बाद आप वर्क वीजा वर्क परमिट वाला रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करने लग जाते हो. इनकम रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम आपकी इनकम जो है 8,500 यूरोज होनी चाहिए पर ईयर की. इससे कम होगी तो थोड़ा मुश्किल आ सकती है, इससे ज्यादा होगी तो इट्स गुड. 8,500 यूरो इज वेरी बेसिक इनकम, तो इतनी तो आपको कोई भी कंपनी ऑफर करेगी वंस यू ग्रेजुएट, तो काफी आसान होता है. दैट्स नॉट अ बिग डील. इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे दो वीडियोज बने हुए, सो यू कैन चेक आउट दोज वीडियोज एज वेल. नेक्स्ट है, इज देयर एनी एज लिमिट फॉर एडमिशन. देखो, इसका आंसर ऐसे करूंगा, अभी आप बोलोगे कि यार अभी तुमने 5 साल का गैप बोला और 8 ईयर्स का गैप बोला फॉर मास्टर्स, बट एज लिमिट के केस में मैं ऐसा कह सकता हूँ, कई बार क्या होता है कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज होते हैं. अब जैसे मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि व्हेन आई गॉट ग्रेजुएटेड विथ मी देर वॉज अ गाय हु वॉज अराउंड 46 ईयर्स ओल्ड, और वो भी साथ में ग्रेजुएटेड, ही ऑल्सो ग्रेजुएटेड विथ मी. तो ये यूरोप में सबसे अच्छी बात ये है कि दे डोंट कंसिडर एज एज एन ऑब्स्टिकल टू योर एडुकेशन, तो वो ऑब्स्टिकल नहीं है. तो उस केस में क्या होता है कि एज का मैटर खत्म हो जाता है. पीएचडी स्टूडेंट्स कितनी कितनी एज हो जाती है तब जाके दे फर्दर कंटिन्यू देयर एडुकेशन.
तो वो वाला फैक्टर यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में आपको नहीं मिलेगा। तो एज को अपना कॉन्स्टेंट या फिर ऑब्स्टिकल ना बनाए, आप अप्लाई करें, बस मेरा ये कहना है। अप्लाई करें, परसेंटेज कम है अप्लाई करें, एज का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करें। एक और क्वेश्चन इससे फॉलोड बाय है, हाउ मेनी बैकलॉग्स इज एलिजिबल फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स। कोई इशू नहीं है, कितने बैकलॉग्स जो चलेगा, आप अप्लाई करें, जस्ट एग्जीक्यूट व्हाट यू हैव इन योर माइंड। आई थिंक दैट इज द ओनली ऑप्शन, बिकॉज देयर आर सर्टेन स्पेशल केसेस जिसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। हर एक केस में 45% पे भी मिल जाएगा, काफी सारे बैकलॉग्स हो तो भी मिल जाएगा, गैप ज्यादा हो तो भी मिल जाएगा, एज ज्यादा हो तो भी मिल जाएगा। Because I've seen people like that in Italy, in Europe, तो इसीलिए उनके बेस पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको ये बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन समवन गेट जॉब इन अब्रॉड फ्रॉम इंडिया ओनली। गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मेरे पास काफी आता रहता है whenever I make videos on work permits or about the jobs in Europe. तो यस दैट इज पॉसिबल। अगर देखो, मैंने भी रिसेंटली इंटरव्यूज लिए थे नीदरलैंड्स में फ्रॉम जनरल पब्लिक, जनरल इमिग्रेंट जो इंडिया से आए हुए हैं। सो दे आर ऑल हैव अप्लाइड फ्रॉम इंडिया एंड थ्रू लिंक्डइन, और दे हैव गॉट गुड पैकेजेस प्लेस्ड इन सम गुड कंपनीज। तो उनको पता था कि उन्हें करना क्या है। उन्हें पहले तो उन्होंने एजुकेशन किया इंडिया में, दे गॉट देयर वर्क एक्सपीरियंस, टू थ्री इयर्स का एक्सपीरियंस सबको था ऑलमोस्ट, वर्क एक्सपीरियंस गेन किया। एंड देन उसके बाद दे लुक, उन्होंने सर्च किया कि यूरोप में हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वेयर, कहाँ पर हमारी फील्ड की कंपनीज है। एंड दे रीच आउट टू देम थ्रू लिंक्डइन, और लिंक्डइन के माध्यम से, और उनके डायरेक्टली एचआर या कोई हायर अथॉरिटी के टच में आने की कोशिश करते हैं थ्रू लिंक्डइन। एंड दैट्स हाउ दे गेट द इंटरव्यूज डन, और उसके बेस पर वो आते हैं। मोस्टली केसेस में क्या होगा कि कंपनीज ही आपको स्पॉन्सर कर देगी उन चीजों के लिए, तो अमाउंट जो स्टूडेंट वीजा या वर्क परमिट खरीदने में लगेगा वो आपका बच जाएगा थ्रू लिंक्डइन अगर आप अप्लाई करते हो। एंड दैट इज पॉसिबल, आई हैव मेट पीपल पर्सनली। हालांकि रेशियो कम होता है, बट दैट इज पॉसिबल। तो लिंक्डइन इज द बेस्ट वे टू फाइंड जॉब्स इन यूरोप, और ट्राई टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 years बिफोर यू अप्लाई फॉर जॉब्स अब्रॉड। These are the two things that I will recommend from my end. Baki, there are multiple websites which I always tell in my videos. Those are also effective, but not that effective. LinkedIn still is the most trusted and I think the most impactful website to find jobs abroad or even in India also. Next thing, sir, guide me on block account. What is block account and why is it needed? A block account is not needed for all the countries out there. Kuch cases mein kya hota hai, acha block account, what is block account? Block account is something that the student has to keep money in it so that the visa officer ya immigration officer ko pata lag jaye ki you can sustain in that particular country. So ek amount aapko block karwana rehta hai wahan par. Jaise Germany mein expatriate account se hoga, Canada mein GIC bolte hai isko, to wahan deposit karna rehta hai and every month they release amount for your monthly expenses. Wo log karte hain. और अदर केसेस में क्या होता है, जहां पर ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहां पर क्या होता है कि आपको क्या होता है, आपकी बैंक अकाउंट में यू हैव टू शो 15 lakhs 20 lakhs इन योर बैंक अकाउंट, और वो आप लेकर जाते हो अमाउंट अब्रॉड, उससे आप जस्टिफाई करते हो कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, आई कैन सर्वाइव इन योर कंट्री। तो ब्लॉक अकाउंट में दे एश्योर दे कीप योर मनी विद देम, और नॉर्मली फंड शो में क्या होता है कि आपका पैसा आपके पास ही रहता है। तो मुझे लगता है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, द मनी इज योर इवेंचुअली, दे विल गिव यू एवरी मंथ, इट्स जस्ट श्योरिटी कि आप उसकी उन कंट्री में सर्वाइव कर पाओगे। जैसे जर्मनी में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और कैनेडा में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। तो उन कंट्रीज को अगर आपको डर लगता है कि मुझे अपने 10 lakh rupees होल्ड करके नहीं रखने हैं, तो इन दैट केस आप जो है फिर उन कंट्रीज में मूव हो सकते हो जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ फंड शो करने हैं। बट इवेंचुअली मैं तो इसे कोई एक बैड नहीं मानता हूँ, काफी पहले सुना हुआ कि ब्लॉक अकाउंट लगता तो मैं उस कंट्री में नहीं जाऊंगा, तो वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, विल आई नीड आईएलटीएस फॉर वीजा। तो आई थिंक इट्स बेटर टू अपियर फॉर आईएलटीएस एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन। वीजा तक तो दूर की बात है, वीजा में तो देर इज नो सच रिक्वायरमेंट टू अपियर फॉर आईएलटीएस, बट एडमिशन के टाइम पर अगर आईएलटीएस दे दोगे तो फॉर श्योर इट विल स्ट्रेंथन योर प्रोफाइल। एंड आई थिंक पहले मैं भी आपकी तरह सोचता था यार आईएलटीएस कौन देगा, यार क्या होगा, स्कोर क्या नहीं होगा, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी गाइस, जस्ट अपियर फॉर इट, यू विल गेट टू नो योर रियलिटी कि मैं एक्चुअल में हूं क्या, मेरा स्तर क्या है, मेरा लेवल क्या है इंग्लिश का।
तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, जैसे हम हेल्थ चेकअप करवाते तो वी गेट टू नो अबाउट व्हाट आर आर रिपोर्ट्स, हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये क्या है, वो क्या है, ब्लड रिपोर्ट्स एंड सो ऑन. सो वैसे ही मुझे अपनी हेल्थ की रिपोर्ट्स पता चल गई. वैसे ही वंस यू अपीयर फॉर ट्रायल्स यू गेट टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एक्चुअली, कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव. उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड ऑल. तो उससे आपको अपने बारे में पता चलेगा कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, विच इज वेरी क्रूशियल दिस डेज टू नो. तो मेरे ख्याल से आयल्स दो, इट्स जस्ट वन कॉस्ट यू अराउंड 15-16,000 रुपीज, बट फायदा है और इट्स नॉट दैट टफ विच यू हाउ मच यू थिंक. 5.5 बैंड्स लाना इट्स प्रीटी इजी, और इतने ही बैंड चाहिए रहते टू गेट इनटू द पब्लिक यूनिवर्सिटीज. हाँ, हालांकि कुछ कंट्रीज में दे रिक्वायर 6.5 बैंड, 7 बैंड, बट इटली के केस में बैंड्स कम भी होंगे तो भी चल जाएंगे, बट आयल्स का रिजल्ट चाहिए रहेगा टू गेट यू द एडमिशन. तो आइल्स देना अच्छी बात है आपके लिए, ये मेरा इवेंचुअली कंक्लूजन है. नेक्स्ट है दोस्तों, इफ माय इंग्लिश इज वीक कैन आई गो फॉर स्टडी इन अब्रॉड, इज इट पॉसिबल? आई थिंक द आंसर इज येस. देखो यहाँ पर क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है इंटरव्यू कंडक्ट करती है और कुछ केसेस में वीजा इंटरव्यूज होते हैं. तो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज जो है कम इंटरव्यूज कंडक्ट करती है, लेकिन वीजा के टाइम पर मोस्टली आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है. तो वहां पर तो यू नीड टू बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट? तो वहां पर क्या होता है, उनको इतना जस्टिफाई करवाना रहता है दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लेक्चर्स एंड यू कैन स्पीक विद द पब्लिक लाइक फ्लुएंटली. नॉर्मली तो आप बात कर सकते हो, और ऐसा नहीं कि जितने भी बच्चे या जितने भी लोग जो विदेश जा चुके हैं उनमें सबको बहुत फ्लुएंट इंग्लिश आती है. मेरा लेवल भी बहुत वैसे ही था, मैं तो चले गया और धीरे धीरे लर्न करने लग गया हूँ. अभी भी मेरा लेवल इंग्लिश का वैसा नहीं है, बट स्टिल आई एम लर्निंग इट डे बाय डे, कहीं ना कहीं बुक्स से या कोई और माध्यमों से, बट प्रोसेस ऑन गोइंग है. तो वैसे ही मैं काफी स्टूडेंट से मिलता हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये कैसे आ गए, तो वो कैसे आ गए, उनकी इंग्लिश वीक है, फिर भी वो आए हैं. तो पॉसिबिलिटीज रहती है हमेशा, इट्स जस्ट कि आप वीजा ऑफिसर को कैसे अपने नॉलेज के बेस पर इंप्रेस करते हो, वहां पर यू कैन क्रिएट द डिफरेंस. तो इंग्लिश बोलना और समझना ये एबिलिटी होनी चाहिए थोड़ी बहुत आपकी, और बाकी तो कंसिडरेबल हो जाएगा अगर आपके पास नॉलेज होगा. तो दैट्स व्हाट आई कैन से अबाउट दिस स्टेटमेंट. ठीक है, नेक्स्ट, इफ वी मूव टू सम अदर कंट्री ऑन स्टडी वीजा एंड डू जॉब एट द सेम टाइम, इज इट पॉसिबल? फॉर एग्जाम्पल, इसमें ले लेते हैं, चलो आपके पास लेट्स से इटली का स्टूडेंट वीजा है, नाउ यू आर टारगेटिंग टू मूव टू नीदरलैंड्स फॉर वर्क. सो क्या होता है, जब आपके पास ये शेंजन वीजा होता है, इससे यू कैन ट्रेवल टू अनदर लाइक शेंजन कंट्रीज, बट कैन स्टे अप टू 90 डेज, 90 दिन तक ही आप रह सकते हो, एंड इस बीच यू कैन नॉट वर्क लीगली, यू कैन नॉट वर्क. काफी स्टूडेंट्स करते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड दोज थिंग्स. सो अगर आपको काम ही करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना स्टूडेंट वीजा को क्विट करना पड़ेगा एंड वर्क परमिट में उस पर्टिकुलर कंट्री के कन्वर्ट करवाना पड़ेगा. दैट इज द ओनली ऑप्शन. लीगली यू आर नॉट अलाउड टू वर्क इन दोज कंट्रीज. दैट इज द शेंगेन वीजा का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के लिए अलाउ किया जाता है. तो yep, it's your choice. लीगली तो नहीं कर सकते हो, इलीगली कर सकते हो, एंड विच आई डोंट रिकमेंड. नेक्स्ट है, डू आई नीड वन एंड द सेम सर्टिफिकेट इफ आई डिफरेंट स्पेलिंग्स इन माई डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन? क्या होता है, मैंने भी देखा मेरे फादर के नेम में भी, जैसे चौहान में हमने जो है ए लगाया हुआ है, मेरे उसमें ओ लगा हुआ है. सो देयर इज अ डिफरेंस इन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ माई पेरेंट एंड मी. तो यस, एडमिशन के टाइम पर तो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम, बट एट द टाइम ऑफ वीजा एप्लीकेशन दे माइट यू नो स्टॉप योर वीजा एप्लीकेशन और ऑब्स्टिकल लगा दे उस चीज की वजह से. तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर वन एंड द सेम सर्टिफिकेट बिफोर यू अप्लाई फॉर योर वीजा. पहले सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर कर लो, ठीक है, उसमें देख लो कि कहीं कहीं पर कुछ कुछ नाम चेंज है, एक सर्टिफिकेट बनाओ, सारी चीज उसमें मेंशन कर दो कि यहाँ पर आधार कार्ड में ही चेंज है, पैन कार्ड में ही चेंज है, बट द पर्सन इज सेम. तो वन एंड द सेम सर्टिफिकेट बन जाएगा और उससे आपकी वीजा प्रोसेस स्मूथ हो जाएगी. तो वो ऑब्स्टिकल वहां पर उस चीज के लिए क्रिएट नहीं होगा. काफी बार मम्मी पापा ने आधार कार्ड में कुछ और लिखवा लिया होता है, पैन कार्ड में कुछ और लिखवा लिया होता है, तो वो स्पॉन्सर अगर पेरेंट्स होंगे तो उसमें वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है. काफी बार क्या होता है कि आपकी 10th मार्कशीट में नेम चेंज है, 12th मार्कशीट में नेम चेंज है, तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है. तो वो वीजा के टाइम पर क्लियर कर लेना, एडमिशन के टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. एडमिशन के टाइम पर तो आप जैसे है वैसे ही अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट है, ब्रो अ लिटिल पर्सनल क्वेश्चन, डू यू हैव इटालियन पीआर?
अभी तो आई एम ऑन पार्चिटा युवा बोलते हैं, जिसे बिजनेस का वीजा बोलते हैं, फ्रीलैंसिंग का वीजा बोलते हैं, फ्रीलैंसिंग का वर्क परमिट बोलते हैं, तो उस पर हूँ. यस, बाय दिस ईयर अक्टूबर मेरे 6 years कंप्लीट हो जाएंगे एंड आई हैव पेड रेगुलर टैक्सेस, आई हैव डन माय A2 लेवल इन इटालियन एज वेल. सो यस, नाउ आई विल बी फुल फ्लेश्ड अप्लाइंग फॉर द PR व्हिच इज गोइंग टू हैव 10 इयर्स वैलिडिटी. तो एक बार अब अप्लाई कर दूंगा ताकि ये रिन्यूअल वाला सीन हट जाए. तो यस, दिस ईयर आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर इट एंड लेट्स होप नेक्स्ट ईयर तक शायद मुझे मिल जाएगा. तो अभी तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबिलिटीज है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the total cost to study in Italy with scholarship and without scholarship? So, इसके ऊपर मैंने एक काफी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने पूरा एकदम कंप्लीट कॉस्ट एस्टिमेशंस बताए हुए हैं, बट स्टिल वर्बली एक शॉर्ट में बता देता हूँ. सो इफ 1 year का कॉस्ट बता रहा हूँ, बैचलर्स मास्टर्स दोनों समझ लो उसमें. सो 1 year का कॉस्ट विदाउट स्कॉलरशिप वुड बी समवेयर अराउंड 6 to 7 lakh rupees, इतना एस्टिमेट मान के चलो. With scholarship, it's going to be 2 to 3 lakhs. 2 to 3 lakhs के रेंज में, 3 lakhs तक का रेंज में जाएगा, और with the scholarship, 7 lakhs के रेंज में जाएगा. तो इतना estimate आप मान के चल सकते हो. Next year से again फिर वो चलता रहेगा continuation में, but यही एक amount है जो 3 lakhs without scholarship, with scholarship and 7 lakhs I think with without scholarship. That is it, pretty much. 1 year का cost मैंने बताया. इसको multiply कर लेना bachelor's के लिए, तो 3 से multiply कर लो, और master's है तो 2 से multiply कर लेना. नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर CS? सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इज बेस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच. कैन आई कम इटली फॉर बैचलर डिग्री, इज दिस गुड डिसीजन? आई थिंक इट इज अ गुड डिसीजन. बिफोर आई यूज्ड टू थिंक 12th के बाद क्या आना यार, इंडिया के कॉलेजेस के एक्सपोजर पहले आप लो फिर उसके बाद यहाँ पर आओ. बट आप आ सकते हो क्योंकि बाहर आने से क्या होता है कि आप यू tend to live on your own and which adds responsibility in your life, जिससे कि आपका growth का जो learning का जो rate है वो rapidly बढ़ता है. तो उस वजह से मैं अब ये सोचने लगा हूँ, मेरा mindset मैंने थोड़ा सा change किया है. और bachelor's degree करने के लिए बिल्कुल आ सकते हो, कोई doubt नहीं, क्योंकि अगर Italy target कर रहे हो तो it's not gonna cost much, तो फिर तो प्रॉब्लम सॉर्टेड है. बट हाँ, कोई और कंट्री टारगेट कर रहे हो फिर सोच रहे हो कि यार बैचलर्स डिग्री करूंगा फिर मास्टर डिग्री करूंगा, तो मैं कहूंगा कि यार मम्मी पापा कितना पैसा हम ना वेस्ट करें, क्योंकि बैचलर्स करने के बाद इवेंचुअली विल गो फॉर मास्टर्स. तो बैचलर्स में भी खर्चा करवाओगे पिताजी माता जी का, और मास्टर्स में भी करवाओगे, तो वो प्रॉब्लम है. हाँ, इटली में क्या होता है कि इट्स कम्प्लीटली फ्री, तो फ्री में आ सकते हो और कर सकते हो, एक्सपोजर मिल रहा है, तो इट्स फाइन. क्योंकि इवेंचुअली आई थिंक मास्टर्स डिग्री विल बी इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, my exam will be over in 2nd April, so when can I apply for admission universities of you? So matlab isi saal agar complete ho rahi hai 2nd of April, which is like after 4-5 days of shooting this video, to aap koshish karo, aap pata karo apne school, college, university se ki aapka jo hai डिग्री या फिर मार्कशीट जो है अगस्त तक आ जाएगा या नहीं. अगर अगस्त तक नहीं आएगा तो डोंट अप्लाई फॉर इट, अगर अगस्त तक आ जाएगा तो यू कैन अप्लाई फॉर इट. बिकॉज अगस्त तक चाहिए ताकि हम वीजा अप्लाई कर पाए अगस्त में, और सितंबर में अक्टूबर में यू कैन ट्रेवल टू इटली और यहाँ पर आपकी स्टडी स्टार्ट हो जाए. तो आई थिंक वो डिपेंड करता है कि आपकी डिग्री मार्कशीट या फाइनल जो भी है वो कब तक आने वाला है उसके ऊपर. तो यही है. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे गाइस, तो आई हैव पिक्ड सम ऑफ देम व्हिच आई हैव शेयर्ड द आंसर्स विद यू ऑल. एंड इफ यू स्टिल हैव मेनी मोर क्वेश्चंस आउट देयर, तो उसके लिए क्या करो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो. और ऐसे ही Q&A या फिर मैच का लाइव आने लगा हूँ ट्वाइस अ मंथ, तो उसमें भी मैं काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देता हूँ. ऑलरेडी ये वीडियो काफी लॉन्ग हो गया होगा, तो मैं इसको और ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ. और बस इवेंचुअली यही कहूंगा कि आपके पास अभी टाइम है, इटली के लिए स्पेसिफिकली कहूँ तो ये अपॉर्चुनिटीज जो अभी है वो मुझे नहीं पता आज से 2-3 साल बाद होगी या नहीं होगी. सो इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, इफ यू आर गॉट कनेक्टेड थ्रू माई रील्स, कहीं से भी आपको पता चलता है कि इटली में ऐसी कुछ चीज है, तो डू अप्लाई फॉर इट, क्योंकि यू नेवर नो हाउ इट्स गोना बी आफ्टर 2-3 years, राइट? इट्स गेटिंग टफ, इट्स गेटिंग स्ट्रिक्ट डे बाय डे एवरी ईयर, एंड द मोर रूल्स गेट स्ट्रिक्टर इट्स विल बी हार्ड फॉर यू गाइज टू मूव अब्रॉड. तो वही बात है कि अभी अगर डिसीजन बना लिया तो बना लोगे, नहीं तो बाद में यू विल रिग्रेट इट कि यार
उस टाइम चले जाते तो चले जाते, नहीं तो फिर वो मिस हो जाता। और बाकी इन्फॉर्मेशन, यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन आर चैनल। वी आर नाउ वर्किंग टूवर्ड्स ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, अभी स्विट्जरलैंड पर वी हैव मेड अ वीडियो, बिफोर दैट वी हैव कवर्ड एस्टोनिया, न्यू कंट्रीज वी आर एडिंग, आई हैव मेड अ कंपैरिजन वीडियो ऑल्सो ऑन स्टडी इन इटली, फ्रांस और जर्मनी। सो इफ यू वॉन्ट मोर कंपैरिजन वीडियोज, इफ यू आर कन्फ्यूज बिटवीन चूजिंग कंट्रीज, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी पर्सनली, आई हैव अ कैलेंडली ऐप, मतलब कैलेंडली ऐप पर जो है बुकिंग अपॉइंटमेंट होता है, वहां से बुक करके मुझसे बात कर सकते हो पर्सनली। इफ यू वॉन्ट योर पेरेंट्स टू टॉक टू मी अगेन, यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी, एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक सम सर्विसेज फ्रॉम आर एंड एज वेल, सो दीज आर द नंबर्स, आई एम वर्किंग विद अ जॉइंट कंपनी, सो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑल्सो टू टेक सर्विसेज फॉर एडमिशन, स्कॉलरशिप एंड वीजा। सो आई एम doing every single thing what we can do to help you out there, free information, everything is available. जो मैं services भी देने वाला हूँ आपको personally, वो already मैं YouTube पर share कर चुका रहता हूँ। So if you have confidence and if you can research well, तो आप अपने end से खुद भी apply कर सकते हो, बाकी तो सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल करता ही है। सो वंस अगेन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग, फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। या दैट इज इट, आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।